इसमें फॉल्ट क्या है, इंडिकेटर लाइट नहीं आ रही है। मैं पावर ऑन करता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडिकेटर लाइट नहीं है। ये मेरा जो वीडियो है, ये जो मैंने थ्योरी दी थी LCD LED 4K टीवी में, इससे पहले नो इंडिकेटर से रिलेटेड, तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि नो इंडिकेटर का फॉल्ट कैसे चेक करना है। ठीक है, नो इंडिकेटर में सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। देखो, नो इंडिकेटर के केस में आपको मेन सप्लाई से लेके मदरबोर्ड तक कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर जो मेन आपका फ्यूज उड़ा हुआ है तो भी आपका नो इंडिकेटर रहेगा। फिल्टर तक वोल्टेज नहीं पहुंच रहे, नो इंडिकेटर रहेगा। आउटपुट बन रहे हैं लेकिन 3.3 वोल्ट नहीं बन रहे तो भी नो इंडिकेटर रहेगा। 3.3 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, पावर सप्लाई में बन रहे हैं लेकिन वहां जाके ड्रॉप हो रहे हैं तो भी नो इंडिकेटर। तो आपको यहाँ पर LG के बोर्ड में क्या चीजें चेक करनी है, यहाँ पर आ जाओ। अभी यहाँ पर ये पूरे कनेक्शंस हैं, यहाँ पर कितनी पिंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, टोटल 18 पिंस हैं। यहाँ की गिनती यहाँ से है और यहाँ की गिनती इस पिन की यहाँ से है। ठीक है, तो यहाँ पर 3.5 वोल्ट यहाँ से आउटपुट होगा, ये स्टैंड बाई 3.5 वोल्ट है, 12 वोल्ट बाद में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड पिन पे 12 वोल्ट बाद में आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, पावर बोर्ड। पावर बोर्ड को हम बाहर निकाल देते हैं, शॉर्ट करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो 12 वोल्ट आउट आ जाएगा और बैक लाइट भी जल जाएगी। हम अभी क्या करने वाले हैं, ये दोनों पिन को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, पावर ऑन और ड्राइव ऑन, इसको 3.3 वोल्ट देंगे। तो सबसे पहले आपको चेक करना है 3.5 वोल्ट स्टैंड बाई। ओके, कैसे फॉल्ट के लिए, जब आपके पास फॉल्ट आया हो नो इंडिकेटर, तो आपको सबसे पहले वोल्टेज जो चेक करना चाहिए वो है 3.5 वोल्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.5 वोल्ट कंप्लीट है, 3.5 वोल्ट। ओके, तो ये क्लियर है। अब हमें इधर है ना, 3.5 पावर ऑन और ड्राइव ऑन, ये तीनों को शॉर्ट करना है। ठीक है, तो मैं ये पिन शॉर्ट कर रहा हूँ। ओके, इसके साथ ही साथ ओके, ये तीन पिन शॉर्ट हो गई अभी 3.5 वोल्ट के साथ, पावर ऑन और ड्राइव ऑन। ठीक है, अभी हमारी बैकलाइट भी जलनी चाहिए और साथ में 12 वोल्ट आउट आना ही चाहिए। अगर जो नहीं आता है तो पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है, और ये सब कुछ सही हो जाता है तो पावर सप्लाई ओके हो जाएगा कम्प्लीटली 100%। ओके, ये हमने तीन बैकलाइट का लोड लगा रखा है और यहाँ पर पावर सप्लाई अभी बैकलाइट ओके है। अभी हम 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 24 वोल्ट और 12 वोल्ट, ठीक है, 11.9 वोल्ट, तो दोनों ही सप्लाई बन रही है यहाँ पर, 24 एंड 11.9। तो ये पावर बोर्ड तो ओके है, बैकलाइट भी चल रही है और इसकी जो आउटपुट निकल रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि हमने ये तीनों पिन को शॉर्ट कर रखा था, ड्राइव ऑन, पावर ऑन और 3.5 वोल्ट। ओके, सो अब हम मदरबोर्ड चेक कर लेते हैं। सो अभी हम ये जो हमने कनेक्शन कर रखा था ऑलरेडी, उसे हटा रहे हैं। ओके, सो इसे अभी हम मेन बोर्ड के साथ लगा देते हैं कनेक्शन इसका, और चेक करते हैं मेन बोर्ड में तकलीफ क्या है। फॉल्ट टेस्ट से पहले हमको फॉल्ट देखना है, तो यहाँ पर हम पहले 3.5 वोल्ट की लाइन चेक कर रहे हैं, तो यहाँ डायोड टेस्ट करना है हमको, और पॉजिटिव वायर ग्राउंड की तरफ और नेगेटिव वायर को मैं 3.5 वोल्ट आ रहे वहाँ पर टच कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये शॉर्टिंग है, प्योर शॉर्टिंग है। ठीक है, अभी हम मेन बोर्ड की तरफ जाने वाला केबल निकाल कर चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने पावर सप्लाई अभी चेक कर लिया था। बोर्ड की तरफ देख लेते हैं दोबारा, हमारी जो शॉर्टिंग थी यहाँ पर, सो यहाँ आप देख सकते हैं शॉर्टिंग नहीं है पावर बोर्ड की तरफ, जो कि हमने चेक करके बताया ही था आपको कि शॉर्टिंग मेन बोर्ड की तरफ है, क्योंकि 24 वोल्ट, 12 वोल्ट और 3.5 इसमें पावर बोर्ड पे बनी रहे थे,
अभी हम चेक कर लेते हैं हमारी जो प्रॉब्लम है 3.5 वोल्ट की, वो क्या प्रोसेसर से शॉर्ट है या कहाँ से। तो उसके लिए हमारा जो शॉर्ट टेस्टिंग मेथड है जो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, दोबारा से मैं बता दूंगा इसमें। सो यहाँ पर शॉर्टिंग है इस लाइन में, ठीक है। तो हमें देखना है अभी ये लाइन शॉर्ट कहाँ से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3.3 वोल्ट पावर सप्लाई से देंगे पहले, ओके। इस पावर सप्लाई का यूज़ नहीं करेंगे, डीसी पावर सप्लाई का यूज़ कर रहे हैं जिसका नंबर है PS-305, ओके। इसमें हमें 3.3 वोल्ट पे सेट करना है पावर सप्लाई को, 3.5 वोल्ट पे, ओके। ये पावर सप्लाई जो है आउटपुट जो दे रहा था ओरिजिनल, वो 3.5 वोल्ट की सप्लाई लाइन है, तो हम 3.5 कर देते हैं इसे। और करंट का जो कोर्स वाला बटन है इसे मैक्सिमम की तरफ कर दिया, फाइन भी मैक्सिमम की तरफ, और जो हाई लो की स्विच है वो मैंने हाई की तरफ कर दी है, मिली एम्पियर की जगह अभी एम्पियर पे है, ठीक है। तो ये क्लियर है, हमने जो सेट कर दिया ये, ओके, 3.5 वोल्ट। अब यहाँ पर ब्लैक वायर मैं यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, ओके। और जो रेड वायर है इसे मैं वायर के थ्रू 3.5 जहाँ इसमें इनपुट होते हैं वहाँ पर इनपुट कर दूंगा इसे। ठीक है, ये वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और दूसरी तरफ हम पावर सप्लाई के साथ इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो दो सप्लाई लाइन हो गई, यहाँ से क्लोज सर्किट के लिए ग्राउंड हमने यहाँ दे दिया, और प्लस वायर जो 3.5 वोल्ट यहाँ पर शॉर्ट हो रहे हैं उस जगह पे दे दिया है। और अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ये क्योंकि शॉर्टिंग बता रहा है, पहले मैं शॉर्टिंग बता देता हूँ इस साइड में। हमने आपको चेक करके बताया कि ये लाइन शॉर्ट है, ठीक है, जहाँ पर हमने कनेक्शन किया हुआ है, ओके। और 3.3 वोल्ट यहाँ जाके भी शॉर्ट बता रहे हैं, जो फ्लैश आईसी में 8 नंबर पे। अभी ये प्रोसेसर में भी ये वोल्टेज जा रहे हैं, फ्लैश में भी जा रहे हैं, और कुछ PF ग्राउंड भी हो रहे हैं इस लाइन में। तो हमें देखना है कि क्या PF शॉर्ट है, आईसी शॉर्ट है जो फ्लैश या प्रोसेसर या नैंड आईसी। आता है वोल्टेज, इसलिए नैंड आईसी की शॉर्टिंग यहां पर नहीं दिखेगी, बिकॉज यहां पर डायरेक्ट शॉर्टिंग दिख रही है अभी स्टैंड बाई लाइन की, ओके, स्विच के बाद वाली नहीं, और यहां पर कोई शॉर्टिंग है भी नहीं, ठीक है, जो 3.3 से चल रहा है नैंड आईसी, तो ये शॉर्टिंग यहां पर नहीं है। सो क्लियर हो जाता है कि या तो फ्लैश या प्रोसेसर या बीच में रास्ते में कोई PF खराब है। तो हम जब पावर ऑन करते हैं उस समय पे करंट बता रहा है 1.8 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पर अभी आप यहाँ ले आइए, क्या ये टेम्परेचर बढ़ रहा है आईसी पे, ठीक है, 42 डिग्री, मतलब आईसी तक वोल्टेज पहुँच रहे हैं, बीच में रास्ते में कुछ भी नहीं खराब, सीधी आईसी में ये वोल्टेज एंटर हो रहे हैं, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं 42 डिग्री है अभी टेम्परेचर। सो इस बोर्ड में प्रोसेसर बदलने के बाद ही ये बोर्ड रिपेयर होगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0.5 एम्पियर बता रहा है अभी, इसका मतलब अभी जो शॉर्टिंग है वो क्या रिमूव हो गई है क्या, देख लेते हैं पहले। 0 की बता रहा था, अभी 0.19, ओके। सो शॉर्टिंग कम तो हुई है, लेकिन शॉर्ट पूरी तरह गया नहीं है, तो आईसी इसमें कंफर्म ख़राब है, और इस आईसी को हमें रिप्लेस करना होगा, ओके। सो इस आईसी को हम निकाल कर चेक कर लेते हैं, ये शॉर्टिंग रिमूव हो जाती है। तो इस आईसी को हम अब रिमूव करेंगे और देखेंगे हमारी शॉर्टिंग रिमूव हो जाती है आईसी निकालने पर। और क्योंकि आईसी गर्म हो रही है तो इसका मतलब ये है कि बॉल शॉर्ट नहीं है, आईसी शॉर्ट है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने प्रोसेसर को रिमूव कर दिया है, ओके। और ये है जो बॉल्स शॉर्ट, कोई भी नहीं नज़र आ रहे हैं हमें, और मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसमें शॉर्टिंग तो बॉल्स की नहीं है, आईसी खुद शॉर्ट होगी, बिकॉज बॉल शॉर्ट हो तो आईसी गर्म नहीं होगी। ठीक है, हमने क्लीन कर लिया है, अभी हम देख लेते हैं इसकी शॉर्टिंग। दोबारा से पावर सप्लाई को कनेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस वायर हमारा वहीं लगा हुआ है जहाँ था पहले, और माइनस यहाँ पर। अभी हम लोड चेक कर लेंगे, हमने अभी आईसी निकाल दी है, उसके बाद लोड कितना है बताएगा पावर सप्लाई। पहले 0.5 तक चला गया था ये, क्योंकि 19 ओम्स की रेजिस्टेंस हो गया था ज़ीरो से। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.5 से 0.11 हो गया, इसका मतलब 110 मिली एम्पियर करंट से ये 3.5 वोल्ट चल रहा है, क्योंकि इसमें रेगुलेटर्स लगे हुए हैं, उनके लोड बता रहे हैं। अभी जितना ज़्यादा लोड उतनी ज़्यादा करंट बताएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.4 वोल्ट ड्रॉप नहीं हो रहे हैं और करंट ज़्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज कितना बता रहा है ये मीटर। सो यहाँ 3.5 वोल्ट जो हमने दिया था वो सेम टू सेम है, और डायोड टेस्ट की रीडिंग हम देख लेते हैं। अब जो 0.0 बता रहा था उसके बाद 19 ओम्स तक चला गया था, अब हम देख रहे हैं कि डायोड टेस्ट की रीडिंग कितने बता रहा है। तो यहाँ पर 5.51 ओके रीडिंग बता रहा है, मतलब 0.551। ठीक है, दूसरे मीटर से चेक कर लेते हैं कितनी रीडिंग बताता है। ठीक है, 0.4, तो ये अभी ओके रीडिंग बता रहा है, पहले शॉर्टिंग थी 0.0 की। ओके, आईसी निकालने के बाद ये शॉर्टिंग रिमूव हो गई, इसको रिप्लेस करने के बाद आपको बताएंगे नेक्स्ट हमारा। इसमें समय लगेगा, बिकॉज आईसी हमें जब मिलेगी तब हम इसका वीडियो बनाएंगे। ओके।